वेलकम एवरीवन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण या इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ होमोजीनियस इक्वेशन। मींस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस, हम पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस किस टाइप की होती है, तो होमोजीनियस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप पहले आप होमोजीनियस पढ़ें, क्योंकि होमोजीनियस का कंसेप्ट ही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट है बीएससी की, और उसकी प्लेलिस्ट में आप पहले होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ें, उसके बाद में हम ये रिड्यूसिबल इक्वेशंस जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इक्वेशन का टाइप क्या रहेगा, किस तरह से उसको वापस से होमोजीनियस में चेंज किया जाएगा और बाद में किस तरह सॉल्व किया जाएगा, वो पूरा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। कि एक होमोजीनियस का आपको बताया था कि होमोजीनियस जो इक्वेशन है वो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उस मेथड से वो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। सेम वही वैसा ही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इक्वेशन पूरी होमोजीनियस के जैसी ही शो करेगी। मींस जो इक्वेशन का टाइप होगा वो होगा कुछ इस तरह से कि इक्वेशन को इस तरह लिखी हुई मिलेगी, या हम लिख सकते हैं कि dy by dx equal to ax plus by plus c and upon ax plus by plus c, means कोई अदर कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट हैं सारे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये c c नहीं होता, मींस ये कांस्टेंट नंबर नहीं होते, तो ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होती। सिर्फ किसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं है, इस कांस्टेंट की वजह से, कि बाकी पूरी इक्वेशन होमोजीनियस है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, ये दो कांस्टेंट दोनों जगह ऐसे लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं बन रही है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन है जिसमें इसके लीनियर में ही एक कांस्टेंट और है और उस कांस्टेंट की वजह से इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम होमोजीनियस बना सकते हैं। तो पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या है। उसके लिए आपको एक रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, उस वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा एक अदर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट में। कि जैसे ये x है, x को हमने चेंज कर दिया, दूसरा वेरिएबल भी हमने कैपिटल में ले लिया जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे, कोई और वेरिएबल ले तो और ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एक्स वाई है फिर कुछ और लेने पड़ेंगे। तो मींस जो यहाँ पे वेरिएबल था उसको जस्ट कैपिटल में लिख के हमने मींस अदर वेरिएबल प्लस उसके साथ एक कांस्टेंट, सेम ऐसे ही वाई को रिप्लेस किया एक अदर वेरिएबल कैपिटल वाई प्लस कांस्टेंट में, और अब यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इनसे और इनके मान इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। जब आप रिप्लेस करेंगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना है कि इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, और यहाँ पे ये जो मान आएंगे, जो कांस्टेंट बचेगा, हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसमें कि वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट जो है वो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि वो जीरो हो जाए, जिससे एच और के मान आ जाएंगे। वो एच के मान हम लास्ट में रख देते हैं इक्वेशन में, और लास्ट में हम इस वेरिएबल को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तो है मेथड होमोजीनियस, अगर कोई इक्वेशन नहीं है तो उसको होमोजीनियस बनाने का और उस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ये तो जस्ट थ्योरी हो गई, अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस नहीं है लेकिन होमोजीनियस में हम चेंज कर सके, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। कि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सेम डिग्री में ही है, और लेकिन उसके अलावा एक कांस्टेंट है जिसकी वजह से ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है कि आप वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट में हम यहीं से करेंगे कि माना एक्स इक्वल टू, एक्स को एक अदर वेरिएबल में चेंज करेंगे एच कैपिटल एक्स प्लस एच में, और y को भी चेंज करेंगे हम कैपिटल y प्लस k में, जो कांस्टेंट है वो अलग अलग लेंगे। तो अब ये मान हम वापस से गिवन इक्वेशन में रख देंगे,
जब गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब डी वाई निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा जीरो और ये कैपिटल डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कैपिटल डी वाई, और ऐसे यहाँ करेंगे तो स्मॉल डी एक्स, ये कैपिटल डी एक्स आ जाएगा, और ये एच है तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे मान रख सकते हैं ये हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस टू कैपिटल वाई प्लस ये टू के ही होगा क्योंकि ओवरऑल टू वाई के साथ है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का थ्री। सेम ऐसे ही टू एक्स प्लस टू एच, जब यहाँ पे टू मल्टीप्लाई है एक्स के साथ तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस वाई माइनस थ्री। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो एक्स प्लस टू वाई और जो कांस्टेंट बचे वो बचे एच प्लस टू के माइनस थ्री, और यहाँ पे ये टू एक्स प्लस वाई प्लस टू एच प्लस यहाँ पे के और आएगा के माइनस थ्री। तो अभी इक्वेशन चेंज हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो अब यहाँ पे ये एच और के यानी कि कांस्टेंट कांस्टेंट वाले जो नंबर हमने अलग किए हैं इसको इस तरह से लिखना है कि अचर एच तथा के, इस तरह से चयन करें कि मींस जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो इस तरह से हमको चूज करने हैं कि एच प्लस टू के माइनस थ्री, यानी कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये भी जीरो हो जाए और यहाँ ये जो पूरा कांस्टेंट है ये भी जीरो हो जाए, यानी कि एच और के दोनों के मान हमको इस तरह से लेने हैं कि जो कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर है वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी सिर्फ इतनी और इससे ये बन जाएगी होमोजीनियस। तो यहाँ से हम एच और के वो मान निकालेंगे जो इनको जीरो कर सके, तो मीन्स ये जीरो के बराबर और टू एच प्लस के माइनस थ्री ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए। अब दो इक्वेशन सॉल्व किस तरह से करते हैं वो आपको आती ही होंगी कि नहीं आती है, तो कई तरीके हैं इक्वेशन सॉल्व करने के कि आप या तो आप h का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, या फिर इन दोनों को यहीं के यहीं हम कांस्टेंट जो है वो सेम कर लीजिए किसी भी दो इक्वेशंस के। तो देखो एक तरीका ये है कि h का मान यहाँ से लिया और यहाँ रख दिया, जैसे सेकंड इक्वेशन है टू h का मान यहाँ से रख दो, यहाँ से रखेंगे तो थ्री माइनस टू के आएगा और प्लस के माइनस थ्री बराबर ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे जो h लिखा हुआ था उस h का मान हमने इस इक्वेशन से निकाला और इसमें रख दिया, तो यहाँ से रखेंगे तो देखो ये बनेगा सिक्स माइनस फोर के प्लस के और माइनस का तीन बराबर ज़ीरो। यहाँ पे आया ये बनेंगे देखो छः में से तीन गए तीन बचे, और ये माइनस के तीन के बराबर ज़ीरो, इट इम्प्लाइज़ के बराबर तीन बटा तीन, इस तीन के को इधर ले जाएंगे ये तीन बटा तीन, यानी कि के का मान आया एक। अब किसी भी एक चर का मान आ जाएगा तो दूसरे में उठा के रख देंगे, तो दूसरे में यहाँ देखो यहाँ रख देते हैं तो ये एच प्लस टू के का मान एक है तो ये एक ही और ये जीरो, तो एच ये दो में से तीन गए माइनस का एक बचा, इधर ले जाएंगे तो प्लस का एक आ जाएगा, तो इट इम्प्लाइज़ एच इक्वल टू वन एंड के इक्वल टू वन। एच और के दोनों के मान क्या आ गए एक एक, कि अगर हम इस तरह से इसको चूज़ करें कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, तो हम यहाँ पे अचर जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह ही मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इसका कि समीकरण दो का एक में
प्रयोग करने पर या यूज़ करने पर, जब दो से मान हम एक में रखेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा हमारे पास एक्स प्लस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई, जो कि एक होमोजीनियस समीकरण है या होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसको हम लिख सकते हैं कि जो समघात समीकरण है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा प्रोसेस है पिछले वाले चैप्टर के बजाय, कि जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑलरेडी थी उसको हमको इतना प्रोसेस करने के बाद में होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बनाने के बाद में जानते हैं कि क्या करना होता है, कि माना वाई बराबर वी एक्स मानते हैं हम, तो वाई बराबर वी एक्स, अब वो वाई बराबर वी एक्स कैपिटल में मान लेंगे और यहाँ से मान आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वी को छोड़ा एक्स का वन हो जाएगा और एक्स को छोड़ा डी वी बाई डी एक्स, अब ये सब कैपिटल में चलेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे इनका, तो ये आएगा वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को ऐसे कैसे रखना है, वाई का मान रखना है, तो वो हो जाएगा वी एक्स, यहाँ पे टू एक्स और यहाँ पे वी एक्स, टू और है इसके साथ तो टू, एक्स एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा वन प्लस टू वी अपॉन टू प्लस वी, अब वी को ले आएंगे इधर तो ये बना एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन टू प्लस वी माइनस वी, ये वी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा यहाँ पे वन प्लस टू वी माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बना टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी, ये एलसीएम, 2v से 2v तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी, अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, इसको ले आएंगे इधर तो ये आएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और इसको ले जाएंगे इधर तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन कैपिटल एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे इसको, अब यहाँ इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमको, तो फैक्टर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन टू प्लस वी अपॉन वन प्लस वी एंड वन माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको लिखने का तरीका भी बताया था कि फैक्टर अलग किस तरह से करते हैं, तो फैक्टर अलग करेंगे और फैक्टर अलग करने के बाद में इसको लिख सकते हैं हम, देखो ये टू प्लस वी अपॉन वन प्लस वी और वन माइनस वी है, ये प्रोसेस हालांकि समझाया हुआ है पिछले में लेकिन वापस से कर सकते हैं, तो ये जब फैक्टर अलग करते हैं तो जो फैक्टर नीचे है उनको अलग अलग करके लिख देते हैं, वन प्लस वी और ये बी, दो कांस्टेंट लगाएंगे ये इधर वन माइनस वी, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए इंटू वन माइनस वी और प्लस बी इंटू वन प्लस वी, अब एलसीएम तो सेम आएगा तो हम छोड़ देते हैं एलसीएम को, जो अंश में है उसको लिख लेते हैं, ये बनेगा टू प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग और वी वी अलग, तो ये ए प्लस बी तो कांस्टेंट और प्लस वी बी माइनस ए, ये वी वाला कांस्टेंट, कंपेयर करेंगे यहाँ से तो ए प्लस बी बराबर आना चाहिए टू और b माइनस ए v के साथ कांस्टेंट कितना है वन, तो यहाँ पे आना चाहिए वन, यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा 2b बराबर आएगा तीन और यहाँ से b का मान आ जाएगा तीन बटा दो और a का मान फिर निकाल लेंगे हम, a का मान निकालेंगे तो ये a इधर ले जाएंगे तीन बटा दो माइनस एक, इट इम्प्लाइज एक बटा दो, तो ये कांस्टेंट आ गए, वो कांस्टेंट कहाँ अप्लाई करने हैं, यहाँ पर a का मान क्या आया है एक बटा दो और b का मान आया है तीन बटा दो, तो अब आप इसकी जगह लिखेंगे उसको, एक बटा दो को हम बाहर निकाल सकते हैं और अब यहाँ पे देखो एक की जगह एक बटा दो बाहर निकाल लिया तो सिर्फ वन बचा, वन अपॉन वन प्लस वी,
यहाँ पे बी की जगह 3/2 है, 1/2 को तो बाहर निकाल लिया, मीन्स यहाँ पे बचा सिर्फ 3, तो 3/1 - v। और अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और ये डी एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा log 1 + v, ये बनेगा +3 log 1 - v, और इधर बनेगा ये log कैपिटल एक्स, और कांस्टेंट भी log में ही लेना है। तो यहाँ पे अब आप कांस्टेंट देख सकते हैं कि किस तरह से लगाएंगे। +log c, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, माइनस में होता है तो अपॉन में चला जाता है, प्लस में है तो ये बनेगा log 1 + v और 1 - v का होल क्यूब। यहाँ पे ये माइनस है उसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये बनेगा यहाँ इसके अपॉन में, और ये log एक साथ हो जाएगा तो ये हो गया log x c। इस 2 को इधर लेके आ सकते हैं तो ये 2 इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये बनेगा log 1 + v / 1 - v का होल क्यूब और = 2 log x c। इस ये 2 इधर आ जाएगा तो ये log x c का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब log log से हो जाएगा कैंसिल। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1 + v / 1 - v का होल क्यूब = x² c². अब यहाँ पे v का मान रख सकते हैं कि v का, और एक्स कैपिटल में ये एक्स कैपिटल आएगा यहाँ पे, ये भी एक्स कैपिटल, तो ये एक्स कैपिटल। वी का मान रख सकते हैं, वी हमने माना था कैपिटल वाई बराबर वी और कैपिटल एक्स, तो यहाँ से वी का मान आएगा वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स 1 + y / x, और यहाँ पे 1 - y / x का होल क्यूब = x² c². इसको सरल करेंगे और तो सरल करेंगे तो ये बनेगा 1 x + y / x, और यहाँ पे बनेगा ये x - y का होल क्यूब / x³ = x² c². ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की 2 घात बचेगी जो यहाँ इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे घात बचेगी हमारे पास x + y * x² / x - y का होल क्यूब = x² c², x² हो जाएगा कैंसिल, तो ये आंसर बचा यहाँ पे x + y = c² x - y का होल क्यूब। अब ये कैपिटल में है, स्मॉल में मान रखने हैं, तो स्मॉल में माने थे क्या, x = X + h, h का मान 1 आ गया था तो मीन्स X + 1, तो X + 1 ये मान है x का, तो X का मान आएगा x - 1, और ऐसे ही Y का मान आएगा y - 1, तो ये मान हम यहाँ रखेंगे तो ये मान आएंगे हमारे पास X + y, और ये -1 - 1 हो जाएगा -2, और ऐसे ही यहाँ पर c² x, यहाँ पे X - Y है तो ये X - y, क्योंकि 1 और -1 ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आएगा इसका ओवरऑल लास्ट आंसर। मीन्स बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा होमोजेनियस इक्वेशन का है, तो होमोजेनियस इक्वेशन तो जो कंसेप्ट है वो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से सॉल्व करनी होती है, तो ये सारा कंसेप्ट अप्लाई होगा।
और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं जो होमोजीनियस में इक्वेशन चेंज की जा सकती है, उन सब इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रोसेस ये रहेगा। तो ये होमोजीनियस और होमोजीनियस में रिड्यूसेबल जो इक्वेशन होती हैं उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें जैसी भी आपको लगती है वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।